हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में, जहां आपको स्टडी मटेरियल के अलावा हर नोटिफिकेशन मिलती है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में, जहां आपको स्टडी मटेरियल के अलावा हर नोटिफिकेशन मिलती है। जैसा कि कल अनाउंस हुआ जेके बोस की तरफ से, 10th एंड 12th की जो एनुअल बाई एनुअल प्राइवेट 2019-20 के स्टूडेंट जिनको मॉस प्रमोशन मिली, तो उनको बहुत से डाउट हैं। उनको मतलब किन किन को प्रमोट किया गया है, अब उनको नेक्स्ट क्या करना है, जो फेल हैं अभी उनको क्या करना है, और इनमें कौन कौन शामिल हैं, कौन कौन प्रमोट हुए हैं, इस और इनका जो रिजल्ट है वो कैसे आएगा, कब आएगा, ये सब डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, बाकी फ्रेंड्स तक शेयर करें ताकि उनकी हेल्प हो सके। और अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आपको नई नोटिफिकेशन के अलावा स्टडी मटेरियल और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलते रहते हैं। जो स्टूडेंट नए हैं, अभी जो प्रमोट हुए हैं, उनका स्टडी मटेरियल यहाँ पर मैं उनको बताऊंगा क्या करना है, उनको कब एग्जाम है, क्या करना है, सब कुछ इस वीडियो में मिलेगा आपको। देखते रहें इस वीडियो को। सबसे पहले हम देखते हैं नोटिफिकेशन। जैसा कि कल नोटिफिकेशन आई कि जेके बोस ने कुछ स्टूडेंट्स को प्रमोट कर दिया है, अब उनको क्राइटेरिया लगाया है कौन कौन प्रमोट हुए हैं, कौन कौन नहीं हुए हैं। बहुत सी कमेंट्स आई इस पर कि हम प्रमोट हुए या नहीं हुए, कौन हुए या नहीं हुए। तो पहली सी बात यह है, प्रमोट हुए कौन? जो भी 10th और 12th स्टूडेंट थे जिनका एग्जाम मार्च अप्रैल में होने वाला था और जिन्होंने एग्जाम फॉर्म भरा था, चाहे वो किसी भी जोन से हो, चाहे वो किसी भी डिवीजन से हो, मगर उनका पहले बैकलॉग अगर है तो, फॉर एग्जाम्पल जिन लोगों का बैकलॉग था, उन्होंने नेक्स्ट एग्जाम के लिए फॉर्म भरा था और उनका एग्जाम मार्च अप्रैल में होना था, उनमें से किस किस को प्रमोशन हुई? जिनको ऑलरेडी 2 या उससे ज्यादा सब्जेक्ट पास थे, उनको मास प्रमोशन हो चुकी है। हाँ, फॉर्म भरना जरूरी है, जिन्होंने फॉर्म भरा था वही प्रमोट हुए, जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा था, क्योंकि जेके बोस के पास उनका कोई डेटा नहीं है। जिस जिस स्टूडेंट ने फॉर्म भरा था उनको प्रमोट कर दिया, जिन्होंने फॉर्म अभी नहीं भरा था उनको प्रमोट नहीं किया है, उनको पहले फॉर्म भरना पड़ेगा। जैसा कि किस कोई स्टूडेंट बोलता है मुझे एक सब्जेक्ट पास था, जिसको एक सब्जेक्ट पास था या फिर कोई नहीं पास था, उनको मास प्रमोशन नहीं हुई है, उनको आगे ये करना है कि उनको सेकेंड क्वार्टर ऑफ सितंबर, मीन 15 सितंबर से उनका एग्जाम होगा। जैसा कि 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, उनका 15 सितंबर से एग्जाम होगा, अगर वो उस एग्जाम में पास हो गए तो उनका ये वेस्ट नहीं होगा, उनको जो 11th क्लास के स्टूडेंट हैं एनुअल रेगुलर, उनके साथ एग्जाम देना है। मगर उनमें उनका जो एग्जाम होगा उसमें उनको थोड़ी रिलैक्सेशन ज्यादा होगी। जैसा कि इन्होंने अटेंडेंस में ऑलरेडी 66% रिलैक्सेशन दे दी है सबको, जैसा कि जिन जिनके 2 से ज्यादा सब्जेक्ट पास थे, 2 या 2 से ज्यादा। अब अगर किसी बंदे के 5 सब्जेक्ट हैं, उसमें से उसको 2 ऑलरेडी पास थे, तो इसका मतलब वो पास है। जिसके 3 पास थे वो भी पास है, जिनके 4 पास थे वो भी पास है, मगर जिनका 1 पास था या होल फेल था वो पास नहीं है, और जिन्होंने फॉर्म भरा था वो पास नहीं, जिन्होंने फॉर्म भरा था वही हुए, जिन्होंने नहीं भरा था वो पास नहीं है। और जो नए प्राइवेट थे जिन्हें फर्स्ट एग्जाम देना था, अभी एग्जाम मतलब दिया नहीं था, फर्स्ट एग्जाम था, प्राइवेट थे, क्योंकि उनको बैकलॉग था ही नहीं जब, तो उनको मास प्रमोशन नहीं मिली है। क्योंकि एक बंदा नए से प्राइवेट एग्जाम फॉर्म भरा है, अभी तक तो कोई सब्जेक्ट पास नहीं है, तभी इन्होंने क्राइटेरिया रखा 2 या उससे ज्यादा सब्जेक्ट पास होने वाला स्टूडेंट पास है, चाहे वो किसी भी जोन से हो, किसी भी डिवीजन से हो। 10th क्लास में जो स्टूडेंट पास हो चुके हैं वो जाए अभी 11th की तैयारी करें। अगर उनको 11th का स्टडी मटेरियल चाहिए तो पूरा मेरे यूट्यूब में शामिल है, वहां पर उनको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाए, स्टडी मटेरियल में जाए, मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा। यहाँ आपको आई बाल पर ऊपर क्लिक करना है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको स्टडी मटेरियल 11th क्लास जो अभी चढ़े हैं उनका स्टडी मटेरियल और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे। आप यहाँ से स्टडी मटेरियल हासिल कर सकते हैं और एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं अच्छे तरीके से। अगर आपको कोई भी किसी चीज़ की, अगर आपका सब्जेक्ट अभी अपडेट नहीं हुआ है, उनका स्टडी मटेरियल अभी नहीं चढ़ाया मैंने, कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं उसका भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और स्टडी मटेरियल चढ़ा दूंगा। और बात रही जो 12th क्लास के स्टूडेंट हैं जिनको मास प्रमोशन मिल चुकी है,
अभी तक किसी भी यूनिवर्सिटी का भी फिलहाल उनको एग्ज़ाम का भी कुछ डेटा वगैरह अभी किसी का फॉर्म वगैरह नहीं निकला है नए स्टूडेंट के लिए, तो उनको अभी वेट करना है थोड़ा। जो जैसे कोई यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम फॉर्म, जो भी यूनिवर्सिटी एडमिशन फॉर्म निकालेगी तब उनको एग्ज़ाम फॉर्म भरना है। वो चाहे इग्नू में भर सकते हैं, चाहे कश्मीर यूनिवर्सिटी में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, क्लस्टर यूनिवर्सिटी में, ये इनके पास ऑप्शन हैं। इनमें भी वही क्रेडिट, अब इनको एग्ज़ाम में जो इनका रिजल्ट है वो कब आएगा, किस तरीके से होगा, इनको रिजल्ट की कोई वेटिंग नहीं करनी है। रिजल्ट इसमें इनको अभी नहीं आएगा क्योंकि रिजल्ट की कोई इनको वेट नहीं करना है। इनको डायरेक्ट स्कूल से मार्क्स कार्ड मिलेंगे, वो भी इस बिना पर। जैसा कि ऑलरेडी एक बंदे को दो सब्जेक्ट पास थे, अगर उसको दो सब्जेक्ट पास थे, एक सब्जेक्ट में उसको थे 40 मार्क्स और दूसरे में उसको थे 60 मार्क्स, यही दो पास थे इसको। अब इसको आगे से सिस्टम क्या होगा, एक में 40 मार्क्स थे, एक में 60 थे, अब उसको इनको एवरेज निकालना है, मीन निकालना है, जैसा कि नोटिफिकेशन में बताया है। तो ये बन जाएगा 100, सब्जेक्ट कितने पास हैं, सब्जेक्ट हो गए दो इसके पास, तो 100/2 होगा, तो इसको ये बनेंगे 50, इसकी जो एवरेज है वो बनेगी 50। अगर जो बंदा सेटिस्फाई नहीं है अपने इस मार्क्स के साथ, वो एग्जाम फॉर्म भर सकता है नए से, या फिर वो एग्जाम फॉर्म तो ऑलरेडी भरा हुआ है तो वो उस एग्जाम में शामिल हो सकता है जो 15 सितंबर से है, जिनको ऑलरेडी 15 सितंबर से एग्जाम देना है। तो बात रही जम्मू के समर जोन की, अगर जिन स्टूडेंट ने, चाहे वो समर जोन के हैं विंटर जोन के हैं, एग्जाम फॉर्म भरा था, बैकलॉग था, मार्च अप्रैल में एग्जाम होना था, दो से ज्यादा किताबें पास थी, तो उनका भी मास प्रमोशन हुआ है। यह थी आज की आपकी इंपॉर्टेंट न्यूज़। इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएं। थैंक यू सो मच।